जोहार सबको। आज का यह शुभ दिन हमारे लिए बहुत ही पर्टिकुलरली हम आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशहाल का दिन है। जो यूनियन ने यूएनओ ने हमें पहचाना है, यहाँ दुनिया में आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोग ऐसे आदिवासी नहीं बन गए हैं। आदमी तो ऐसे दुनिया में ईश्वर ने जो जन्म दिया है, हो सकता है सबको एक ही जन्म दिया था, परंतु चलते चलते लोग इतना मतभेद में आ गए जो अपना जात पात शुरू कर दिए, अपना कर्म क्षेत्र के हिसाब से, रंग के भेद के हिसाब से, तरह तरह के हिसाब से हमारे बीच में ही हम अलग अलग हो गए। तो आज हम आदिवासी श्रेणी में आते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हम आदिवासी हैं। हमारा पहचान अलग है। आदिवासी लोग सिंपल होते हैं, अपने कर्म में देखा जाए तो वे लगन से क्या करते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति इस टेक्नोलॉजी का दुनिया में हम भी बटे हुए हैं। विशेष करके हम कहेंगे कि ये मोबाइल का दुनिया में हमारे बच्चों को सही दिशा देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो बड़े बूढ़े लोग हैं इनसे यही अनुरोध है कि कम से कम ये मोबाइल, लैपटॉप या तो तरह तरह का आजकल आधुनिक जो सुविधाएं मिली है, टेक्नोलॉजी मिली है हमें, जितना जरूरत है उतना ही उसे यूज किया जाए। नहीं तो देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे उसमें बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जा रहा है और अपना काम धंधा में भी वे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और आदिवासी होने के नाते हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाएं, अपने एरिया के प्रति हम जागरूकता लाएं, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनियां जो आ रहे हैं हमारे जल जमीन सबको बर्बाद कर दे रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि मतलब उस एरिया में इतने ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया जा रहा है कि आदिवासियों को वहां टिकना मुश्किल हो जा रहा है, अपना जमीन छोड़ के भाग जाते हैं लोग, क्या करेंगे, खुली आसमान में सांस लेने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत होती है। दूसरे लोग अनाप शनाप पैसा कमा के डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों को इलाज इस युग में महंगी इलाज बहुत ही महंगा पड़ता है, जिसका जिसको बीमार लग जाता है वही जान पाता है कि मतलब बीमारी क्या है। इसीलिए हम सब जागरूकता लाएं अपने आप में, उसके बाद में सबको जागरूकता में लाएं, कम से कम अपना जल जमीन को बचा के रखें, यही हमारा
आदिवासी जो होने का जो हम कहलाए जाते हैं यही हमारा एक बहुत बड़ा हम कहेंगे तलवार है, हथियार है हमारे लिए, हम आदिवासी हैं। नहीं तो लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना भी मुश्किल हो जाता है अगर एक टुकड़ा जमीन ना हो तो अपना जो हक है उसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और हमारा नेमास भाई जो सबको जोड़ने का कोशिश किया है, पर्टिकुलरली अभी पूर्व भाई लोग को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब माध्यम से, वो जगह जगह यहाँ तो वहां जाके जोड़ रहे हैं। बहुत ही एक सुंदर हमारे लिए शुरुआत है और हम आशा है कि सब कोई एक होके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में जितने भी विभेद रहे परंतु हमें आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति से लड़ाई करके आगे बढ़ना है। इतना ही करके मैं अंत कर रहा हूँ।